हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं सुमन कानपुर से माँ क्रिएटिव गार्डन में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग मेरे अंत तक बने रहें मेरे साथ में। और दोस्तों, कुछ मैं देखिए कुछ करने जा रही हूँ, आप लोगों को भी एनर्जी मिलेगी कि हाँ सही है, बहुत अच्छी चीज़ है। और आप लोग मेरे अंत तक बने रहें मेरे साथ में। फ्रेंड्स, देखिए मैं आज इसको लोबिया को हार्वेस्ट कर रही हूँ। बहुत ढेर सारी लोबिया है निकली है कि जो है इतनी इतनी लोबिया इसमें लगी हुई है, तो मैंने सोचा चलिए हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और इसके साथ में चींटे इसमें बहुत लगे हुए हैं फ्रेंड्स, चींटे इसमें इतने ज़्यादा हैं, तो डर के वजह से धीरे धीरे मैं तो काट रही हूँ कि चींटों का भी कहीं नुकसान ना हो जाए, और जो है कहीं डाली वाली भी ना कट जाए, तो इसलिए सावधानी से काट रही हूँ। और कहीं अपने को भी डर लग रहा है कि मुझे भी कहीं काट ना लें, क्योंकि चींटा तो इतना काटते हैं बुरी तरीके से कि जब काटते हैं तो मतलब कहते हैं ना कि कैसे चींटा जैसे चपट गए, कि मरने के बाद ही चींटा फिर छोड़ता है, तो वो जो है चींटा बहुत बुरी तरीके से। लेकिन लोबिया में चींटे बहुत लगते हैं, सब सारे पेड़ों की अपेक्षा लोबिया में सबसे ज़्यादा चींटे लगते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ तरोई भी लगी हुई है, लौकी भी लगी था, सॉरी तरोई में भी लगते हैं चींटे, लेकिन उतने चींटे नहीं लगते जितनी लोबिया में लगते हैं। और जो है ये लौकी में बिल्कुल नहीं लगते हैं, और नहीं तो आपके पोए में लगते हैं, कहीं नहीं लगते हैं, सिर्फ तरोई और लोबिया में लगते हैं जा करके ये बोड़ा में, जो हमारी बिन से आज मैं इसको हार्वेस्ट कर रही हूँ। और हाँ, तो बहुत सारे काम, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप डालूँगी आप लोगों को, क्योंकि हमारे व्यूअर फ्रेंड ने कहा था कि एक आपने आप बहुत बड़ा वीडियो बना कर डाला है, हालांकि उनको अच्छा बहुत लगा है, किसी व्यूअर ने कहा कि कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा है। और दोस्तों, टेरिस में क्या है, ये एकदम एक इतनी मेहनत का काम होता है गार्डनिंग करना कि बता नहीं सकते कि कितनी मेहनत का काम होता है, कि अगर आप लोग गार्डनिंग करते होंगे तो आप लोगों को खुद ही पता होगा कि कितनी मेहनत होती है। लेकिन हाँ, ये फिजिकल एक्सरसाइज होती रहती है एक, और अपने मन को शांति भी मिलती है, मन हल्का रहता है, नेचर से जुड़ कर के रहते हैं तो मन को बहुत शांति मिलती है। सबसे बड़ी मेन एक जो है इसका एक ही कारण है, जो नेचर से जुड़ कर के जो लोग रहते हैं उनको मन बहुत शांत उनका होता है। और फ्रेंड्स देख रहे हैं कि जो है मैं इनको तोड़ रही हूँ, काटने के बाद में फिर इकट्ठा करके मैं दिखाऊंगी कि कितनी कहाँ हो रही हैं, क्योंकि मैं धीरे धीरे इनको तोड़ रही हूँ। और जो है मॉर्निंग का समय है, कभी धूप कभी छांव जैसी देखिए आ जा रही, फिर एकदम से अंधेरा जैसा हो जा रहा है, तो बड़ा वो लगता है। हालांकि मैं कल से ट्राईपॉड पर काम करने लगूंगी, क्योंकि उस पर चेयर पर रख कर के वीडियो बनाती हूँ तो काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं। ट्राईपॉड में अगर बनाती रहूँगी तो थोड़ा सही रहेगा, जिधर चाहें उधर घुमा लिया करेंगे। और जो है ट्राईपॉट आ गया, काफ़ी रोज पहले का आ गया, लेकिन मैं ट्राई उसमें कमने लगाती नहीं थी, लेकिन सोचा कि पैसा पड़ ही गया है तो चलिए ट्राईपॉट में भी यूज करते चलें, उसको भी करना शुरू कर दें। और फ्रेंड्स देखिए कितने चींटे मेरे लग रहे हैं, और समय समय पर पानी अपना देते रहें, क्योंकि इस समय बहुत धूप हो रही है, क्योंकि जड़ें काफ़ी मुरझा रही हैं इस समय पेड़ों में। और जो फ्रेंड्स शाम को ज़्यादातर हम तो पानी देते हैं, क्योंकि जो है रात भर ठंडाते रहते हैं, 24 घंटे के लिए बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। और जो है अभी कल मैंने एक खाद बनाई है, वो उसकी लिक्विड छाछ की, छाछ क्या है, हम जो मलाई निकालते रहते हैं दूध की, तो उसी में छाछ डाल देते हैं थोड़ा सा, तो उसी से मट्ठा निकल आता है, तो उसी मट्ठे में फिर उसको सड़ने के लिए रख देते हैं 2-4 दिन तक, तो खट्टापन भी आ जाता है उसमें, तो अच्छी सी खाद बनकर के रेडी हो जाती है। तो दोस्तों मैं वो वीडियो थोड़ा सा जल्दी सी छोड़ी सी कल एक आध दिन में मैं क्लिप उसको दिखाऊंगी। और आप लोग भी अपने अपने छतों में ऐसे टेरिस पर करते रहें तो ज़्यादा ही सही रहेगा। और फ्रेंड्स देखिए जो है कितनी ज़्यादा जब हार्वेस्टिंग हो रही है हमारी टेरिस में। इस समय खैर ऑर्गेनिक सब्जियाँ मुझे भर भर के खाने को मिल रही हैं, अभी तो देख रहे दोस्त फ्रेंड्स, मैंने काटने के बावजूद भी इतनी सारी अभी बची हुई हैं, और क्योंकि हल्की हैं नाजुक हैं अभी, तो ये 1-2 दिन बाद फिर अपना हार्वेस्ट करने को हो जाएंगी। और नेचुरल चीज़ है ये, बहुत ही नेचुरल चीज़ है कि बता नहीं सकते, इनका बनाएंगे अगर सब्जियां आप बनाते होंगे तो नेचुरल्स की, जो लोग टेरिस करते हैं गार्डनिंग, और जो है अपने घर में सब्जियां उगाते हैं, तो उनको खुद ही पता होगा कि कितनी नेचुरल सब्जी
मतलब नेचुरल उसकी खाद की अलग ही कुछ टेस्ट होता है सब्जियों में। और जो है हम लोग तो जो है अपने अब तो हम लोगों की आदत बिगड़ सी गई है। हालांकि इतनी मिलती रहती है अभी फ़िलहाल में तो कि ज़्यादा बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है अभी फ़िलहाल में तो। वैसे बाज़ार बिना कहाँ रहा जा सकता है, तो आलू टमाटर ही अभी तो इस समय सिर्फ खरीद रहे हैं आलू टमाटर। और जो है इसके बाद और तो सारी सब्जियां यहीं टेरिस से मिल रही हैं। कुछ दिन बाद मेरी जो है गोभी भी मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैंने गोभी काफ़ी लग मात्रा में लगा दिया था 2 ग्रो बैग में उसमें क्यारियों में, और अभी फिर मैं लगाऊंगी। क्योंकि रुक रुक करके समय समय से, क्योंकि अगर रुक रुक के कोई मतलब प्लांट्स लगाते हैं तो वो रुक रुक के धीरे धीरे फल मिल खाने को मिलते हैं सब्जियाँ, तो उससे क्या है जैसे एक बार में एकदम से लगा दिया तो उनको जो है क्या है एक ही बार में सब जल्दी सो जाएंगी। तो ऐसे रुक रुक के जैसे लगाते रहेंगे तो सब हम मुझे हर समय क्या हम मुझे क्या आप सभी लोगों को हर समय खाने को मिलती रहती होगी। और फ्रेंड्स देखिए ये तो आप लोगों ने देखा ही है कितनी भुइयां मैंने कितने पत्ते लोगों को बांटे हैं, और जो है फिर भी जो है और बहुत टेस्टी बनते हैं। लोग कहते हैं गले में लगते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि गले में नहीं लगते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे लाते होंगे क्या करते होंगे। बाज़ार की सब्जी है कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो ऑर्गेनिक सब्जियाँ हैं, बाज़ार में तो खाद वाद दुनिया पढ़ कर के भी उससे बनती हैं। और फ्रेंड्स अपना अपना ध्यान रखें और जो है साफ़ सफाई रखें और वातावरण को शुद्ध रखें, नेचर से जुड़ के रहें। फ्रेंड्स देखिए मेरी सब्जियों का हार्वेस्ट कितना सा हुआ है और काफ़ी मात्रा में है, और आप लोग अपना अपना ध्यान रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।